मुझे हस्तमैथुन की आदत है, हस्तमैथुन की वजह से मैं कमजोर हो चुका हूँ, हस्तमैथुन से मेरा लिंग सिकुड़ गया है, हस्तमैथुन से मैं बहुत परेशान हूँ, हस्तमैथुन से मेरा वजन कम हो रहा है और मुझे हस्तमैथुन रोकना है। इसलिए मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं। चलो आइए उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बताया कि हस्तमैथुन ये नॉर्मल है। हस्तमैथुन मतलब हैंड प्रैक्टिस करना, मुट्ठी मारना, मास्टुबेशन, सभी एक ही नाम है। ये नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हर व्यक्ति करता ही रहता है। काफ़ी सारे वीडियोज उसके बारे में आपने जरूर देख लेना, चेक कर लो आप हमारे चैनल के ऊपर। और सवाल फिर ये आता है कि हस्तमैथुन फिर क्यों रोके? तो हस्तमैथुन उनके लिए ठीक नहीं है जिनको उसकी आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है और फिर उनको वो रोकना पड़ रहा है। क्योंकि वो रोकेंगे नहीं तो फिर क्या होता है, चार बार पांच बार हस्तमैथुन कर रहे हैं, वही भी विचार आ रहे हैं, वो एक कंपल्शन हो चुका है कि नहीं करना ही पड़ता है। वो करने के बाद में उनको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, फिर दो तीन घंटे के बाद में फिर इच्छा हो जाएंगी, फिर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो उसका इलाज हम करेंगे, उसका इलाज कैसा करना बताएंगे। तो नंबर एक क्या है, जब जब हस्तमैथुन की आपको इच्छा हो जाती है, बहुत इरेजिस्टेबल डिज़ायर है कि नहीं करना ही पड़ता है, आपका एक अच्छा दोस्त है उसको कॉल करो, कोई भी व्यक्ति को कॉल करो, उससे बातचीत करो, वो टाइम थोड़ा सा निकाल लो, तो विचार वो निकल जाएगा और फिर बाद में एक बार विचार निकल गया तो फिर आग पाप में लग जाएंगे। तो इसको भी कॉल कर लो। स्पेशली ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हस्तमैथुन मतलब किसने छोड़ना है, जिनको लत लगी हुई है, जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है मास्टरबेशन की, जिनको लिंग के ऊपर जख्म हो रही है बार बार करके, तभी भी उनको करना ही पड़ता है, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। नंबर दो, नंबर एक मैंने बताया दोस्तों को कॉल करके, इसको भी कॉल कर लो। नंबर दो, संगीत सुनो, एक लाइट म्यूजिक सुनना है। जब ऐसी इच्छा हो रही है तो आपको रिलैक्स फील लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन के वीडियोज आप सुन सकते हैं या कोई संगीत सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर तीन, आपने कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखना है, एजुकेशनल वीडियो देखना है और अपना ख्याल जो है उधर यूट्यूब पे चले जाओ, कोई ना कोई वीडियो निकालो, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है वो टॉपिक के ऊपर वीडियो निकालो और देखना चालू करो, ताकि फिर आपका वहाँ से दिल निकल जाएगा, दिमाग निकल जाएगा और फिर आप एक बार डाइवर्ट हो गए तो अच्छा लगेगा फिर आपको। नंबर चार, आप दोस्तों को जाके मिल सकते हैं यदि अवेलेबल है तो, हॉस्टल में तो चलो किसके यहाँ भी चले गए, फटाक से उनके साथ में बातचीत करेंगे, टाइम पास निकाल मतलब टाइम पास कर दिया, टाइम निकल गया तो अच्छा लगेगा आपको। अब पांचवा, परिवार में आप यदि रह रहे हैं तो परिवार के साथ में मिलो, उनके साथ में बातचीत करो, तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा। नंबर छः, आपने अकेले रहना टालने का है, अकेले कमरे में बैठना, पढ़ाई के लिए बोलो या कैसे भी, टालने का, क्योंकि अकेले बैठेंगे तो आपको फिर वो इच्छा हो जाती है, विचार आता है, इच्छा हो जाती है हस्तमैथुन करने की, तो अकेले बैठना ही नहीं है, पढ़ाई भी करनी है तभी कॉमन जगह पे जाके पढ़ाई करनी है। नंबर सात, आप इसकी दवाई भी ले सकते हैं, ऐसे सारे ग्रुप की दवाई है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, तो आप ले सकते हैं दवाइयाँ जिससे आपको वो विचार कम हो जाएगा और फिर नेचुरली विचार कम हो गया तो आप करेंगे नहीं। नंबर आठ, आप काउंसिलिंग ले सकते हैं, काउंसिलिंग आप ट्रेन काउंसिलर से आप काउंसिलिंग लेते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, आप के पास में और कोई होंगे आपके सिटी में तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर नौ, आपने हॉबी डेवलप करना जरूरी है, कोई भी शौक आप डेवलप करो, पेंटिंग है, ड्राइंग है, गार्डनिंग है, कोई भी, तो फिर क्या होगा कि उसमें अपना मन लगेगा और फिर आपको वो इच्छा नहीं होगी। जब कभी आपको इच्छा होती है, विचार आता है तो तुरंत कोई तो भी शौक अपना पूरा करना है। नंबर दस, आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी विषय आपको अच्छा लगता है, किताब निकालो, आजकल आप एक्चुअली किताब पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं और आपका टाइम उतना निकाल सकते हैं। नंबर 11, आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करना चालू करना है, एक्सरसाइज आप चालू करते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ेगा
और आपको हस्तमैथुन करने की इच्छा कम हो जाएगी। नंबर 12, आपने पॉर्न वीडियोस देखना बंद करना है। सेक्स वीडियोस, पॉर्न वीडियोस, ये सब एक्साइटमेंट देने वाले वीडियोस आपको बंद करना है। नंबर 13, जब वो विचार आता है हस्तमैथुन करना है, उस समय क्या करना है कि कंपल्शन जो है कि नहीं करना पड़ता है, आप कृति करते हो, वो कृति रोक देने का है। विचार आ गया, ठीक है, ओके, आने दो, रिलैक्स, उस समय रिलैक्स करना। और हिप्नोसिस की काफ़ी सारे मेरे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को कर लेना, रिलैक्सेशन कर लेना। आपको जो बेचैनी हो जाती है विचार आने के बाद में कि हस्तमैथुन करना ही पड़ता है, तो वो बेचैनी निकल जाने तक आपने रिलैक्स करना है, सेल्फ हिप्नोसिस करना है। और एक बार वो विचार निकल गया, वो एक्शन नहीं किया तो विचार निकल जाएंगे और आप ठीक हो जाएगी। तो ये 13 बातें मैंने आपको बताई, ये उनके लिए कि जो हस्तमैथुन के आदि हो गए, शिकार हो गए, उनको लत लगी हुई है, तो ये आप करते तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये वीडियो आपने जरूर लोगों को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हमारा, उससे हौसला बढ़ता है, और लाइक करो, शेयर करो। डेफिनेटली आपको क्या फ़ायदा हुआ वो आपने शेयर करना है। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।